हो साधना शक्ति हो भावना भक्ति हो साधना शक्ति हो भावना भक्ति हो दयादानी बनो दयादानी बनो गुण की खानी बनो इस धरा की सुभगी सुची कहानी बनो राज रानी बनो महारानी बनो सिरत भज बालिका के भाला अक्षर माला में अंकित है जरा देर ठहरो जनक की दुलारी अभी और पढ़ लूं मैं कहानी तुम्हारी। जब मैंने बालिका के भविष्य को देखा वनवास हो ये पति साथ साथ रहना होगा निश्चर की तारा राजा रानी बन करके सुख भोगे राज्य अपारा। पर मैंने पुणे देखा फिर वनवास लिखा भाग्य में भविष्य कथन तुम्हारा मुनि वाल्मीकि की पावन कुटिया में हो आवास तुम्हारा बन में निवास तप में जीवन मृग सावक दल मन का रंजन लेकिन होगा मां बनने का उत्तरदायित्व तो नहीं खंडन फिर लोग खुश होंगे यमज पुत्र शिक्षक तुम को बनना होगा युद्ध समय तब पुत्रों को निज पिता से भी लड़ना होगा फिर अंत समय में सिया सुनो धरती में समा जाएगी तू निज सती तो अरु आन बान की शान छोड़ जाएगी तू भवे समस्तम सफलम तदीयम मनोरथम वे जनकात्म जेहि पति वर्तते सुदृढ़ वाप्ये यशस्वनी में तनी सर्वलोके आयुष्मती भो। सिरध्वज सीता के साथ ये कौन सीता की सखी क्या नाम है तुम्हारा सखी क्या नाम है चारुशीला शीला सुशीला चारुशीला भद्रा मानवती तथा लीला श्यामा च शांता सीता अष्ट संख का सीता की अष्ट सखियों में हो ये बताओ सीता का श्रृंगार तुमने किया है जी महाराज तभी मैं देख रहा हूँ कि भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रची सखिन बनाए अपने जीवन का अमूल्य समय सीता की सेवा में लगा देना तुम्हारा उद्धार हो जाएगा विश्वामित्र मिले पर सरोज मेरे दो भाई आइए आइए तत्ववेता चित्तवेता ज्ञानवेता ब्रह्मवेता विश्वामित्र जी पूर्ण कुंज में शुष्क हुई थी जो आशा लटकाए ये स्वयं
आज से 5000 वर्ष पूर्व रेवा नदी के तट पर हमारा आपका मिलन हुआ था। आज मिथिला में पाकर के आनंद का अनुभव कर रहा हूं। मैं ये भी कह सकता था कि सुख का अनुभव कर रहा हूं, लेकिन नहीं कहा, क्योंकि सुख के पीछे दुख है, लाभ के पीछे हानि है, मिलन के पीछे वियोग है, यश के पीछे अपयश है, जय के पीछे पराजय है, हानि लाभ प्रेम मिलन वियोगा जन्म मरण सब सुख दुख भोगा। ये काल कर्म बस स्वयं गोसाई ब्रह्म रात दिवस की नाई, तो सुख तो दुख में बदल जाता है, लेकिन आनंद सदैव एक रस रहता है। एक बार संतों की समाज लगी थी, मैंने संतों से पूछा आनंद का भी विलोम शब्द है? संत बोले आनंद ऐसा शब्द है जिसका हिंदी साहित्य में कोई विलोम शब्द नहीं है। एक सज्जन खड़े हो गए, बोले महाराज मिल गया। मैंने कहा क्या? बोले आनंद का विलोम। मैंने कहा बताओ। बोले निरानंद। मैंने कहा आनंद में निर तो आपने अपनी तरफ से जोड़ दिया, आनंद में निर जोड़ दिया, निरानंद विषय जोड़ दोगे विषयानंद, ध्यान जोड़ दोगे ध्यानानंद, ज्ञान जोड़ दोगे ज्ञानानंद, परम जोड़ दोगे परमानंद, लेकिन आनंद तो अपनी जगह आनंद ही रहेगा। अस्त मैंने आपका दर्शन किया, आनंद की अनुभूति की। आनंद तीन प्रकार के होते हैं। एक साधन जन्य आनंद, जो साधनों के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है उसे साधन जन्य आनंद कहते हैं। एक विषय जन्य आनंद होता है, जो विषयों के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है उसे विषयानंद कहते हैं। किंतु एक आनंद होता है स्वयं सिद्ध आनंद, और ये जो स्वयं सिद्ध आनंद होता है इसका कभी नाश नहीं होता है। तो आपको पाकर के मुझे आनंद की अनुभूति हुई, और क्या बात है, बड़ा दिव्य दर्शन हो रहा है। प्रभात फेरी, सुंदर भाव है, सीतारामी चल रही है, प्रभात फेरी, धन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जो भगवत नाम उच्चारण करते हैं वंदनीय है। परमात्मा की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, बड़े ही श्रद्धा भावना के पात्र हैं, बहुत अच्छे हैं। आइए, तो आदरणीय विश्वामित्र जी, आपने हमारी बड़ाई को बढ़ा दिया। नियम है कि छोटों को बड़ों के पास मिलने जाना चाहिए, लेकिन आज उल्टा हो गया। आज बाबा स्वयं अपने नाती से मिलने चले आए। धन्य है आप। उसी प्रकार जैसे पूर्णमासी में जिस समय चंद्रमा पूर्ण होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है। मानो समुद्र से चंद्रमा निकला है, तो अपने से निकले हुए चंद्रमा को जब पूर्णतम समुद्र देखता है तो उसे प्राप्त करने के उसमें उछाल आ जाती है। ऐसे हम भी इनके द्वारा निकले, इनके हैं। तो बाबा ने शीश जटा शिश बदन सुहावा, इस परशुराम रूपी पूर्ण चंद्र को प्राप्त करने के लिए कौशिक रूप पयोनिधि पावन प्रेम वारी अवगाह सुहावन बाबा हमसे मिलने चले आए। कहें बाबा आप कुशल हैं? सब कुशल हैं। आपके यज्ञ कार्य सब कुशलता से हो रहे हैं? सब कुशलता से हो रहे हैं। कोई विघ्न बाधा तो नहीं आई? विघ्न बाधा आती थी। अच्छा, कोई राक्षस? हाँ हाँ, परेशान करते थे। अच्छा बाबा ये बताओ, अब नहीं करते? तो केवल राक्षस करते थे कि कोई राक्षसी भी करते थे? राक्षसी का आदेश हुआ करता था, राक्षस करते थे। राक्षसी वो ताड़का तो परेशान नहीं करता? ताड़का परेशान करती थी? परेशान नहीं करती थी, वो आदेश करती थी। आदेश करती थी और वो आकर के यज्ञ विध्वंस कर देते थे। उनका भी हमने इलाज कर दिया। अच्छा, तो अयोध्या से दो राज बाबा ये बताओ, जब कोई बाबा अपने नाती के पास जाते हैं तो कुछ ले करके जाते हैं? जब कोई बाबा अपने नाती के पास जाते हैं तो कुछ ले करके जाते हैं? आप हमारे लिए क्या लेकर के आए? प्रेम। प्रेम लेके आए और बाबा के पास का रखा। आपके साथ में कोई है? हाँ हाँ, अयोध्या से दो राजकुमार आए हैं, राम और लक्ष्मण, दोनों कुमार हमारे समीप में आओ। पद सरोज मेरे दो भाई, अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र
राम उनके अनुज लक्ष्मण। बाबा ये आजान भुज उन्नत ललाट ब्रह्म मुहूर्त महेश्वास जिनकी वक्र भुरणियों में लीन हो रहा है त्रिभुवन का विकास, ये किंचित कुंचित केस राश पर भ्रमरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। ये कलित नंदनी कालिंदी भानुजा सुर तनया यमानुजा यमुना सा मुरारिकाए श्याम श्री विग्रह, ये अलकनंदा मंदाकिनी भगवतपति विबुधा पगासा गौरांग यामनगांग संगम अवश्यमेव, इनके भुजाओं में छत्र दर्प है ललाट पर ब्रह्म तेज है, क्षत्रिय वंशोद्भव होने पर भी ब्राह्मणों की कृपा पात्र लग रहे हैं। जानना चाहता हूँ कौशिक कुंवर रावरे कौन, कौशिक कुंवर रावरे कौन, इनके कोमल अंग कमलवत आंखें इनकी सुंडाकार भुजाएं छवि अनंत बल जाएं, कह कहूं कौशिक इनकी सुंदरता लखी मेरी पानी होती मौन, कौशिक कुंवर रावरे कौन, कौशिक कुंवर रावरे कौन। और जब मैंने इनके चरित्र को देखा बालकों ने जब प्रणाम किया तो ऐसे प्रणाम किया, इनके प्रणाम करने का ढंग मैंने देखा तो पता चला कि विद्या से ये शून्य नहीं, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विद्या से ये शून्य नहीं है। और इनके परिवेश को देख करके मुझे लगा कि धन से भी ये न्यून नहीं है, तो फिर किस प्रदेश की रहने वाली बल बुद्धि विद्या के ये भवन कौशिक कुंवर रावरे कौन, कौशिक कुंवर रावरे कौन। अयोध्या के महाराज दशरथ के कौशल्या नंदन ज्येष्ठ पुत्र राम, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण। आदरणीय विश्वामित्र जी, ये आपने इनका परिचय बताया कि ये अयोध्या के हैं, इनके पिता दशरथ माता कौशल्या और इस बालक के पिता दशरथ माता सुमित्रा, अच्छा माताएं अलग अलग, तो ये तो आपने परिचय बता दिया, लेकिन हमने आपसे जो पूछा कि कौशिक कुंवर रावरे कौन, इस पर आपका चिंतन नहीं हुआ। ये रावरे, ये हमने आपको बताया कि ये राम हैं? नहीं नहीं, वो तो आपने बता दिया कि ये राम हैं, ये लक्ष्मण हैं, दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के हैं, लेकिन रावरे माने, रावरे माने तुम्हारे कौन है, रावरे हमारे शिष्य हैं। अच्छा आपके शिष्य हैं, तो आपने इनको विद्याएं प्रदान की होगी, कौन सी विद्या प्रदान की? इन्हें सारी विद्या हमने प्रदान की। अच्छा अच्छा, बला और बला नाम की विद्या प्रदान की, जिसका प्रभाव है जाते लागन क्षुधा पिपासा अलित अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। आप हमारे अच्छे बाबा हैं, ज्ञानी भी हैं, विज्ञानी भी हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन सुर आश्रम जानी, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, कहान लगे कछ कथा पुरानी। तो आप ज्ञानी भी हैं और विज्ञानी भी हैं, तो बाबा चाहता हूं कि दो शब्दों में थोड़ा प्रकाश डालें कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। आप ज्ञानी बाबा हैं, आप हमारे अच्छा अच्छे बाबा हैं, बाबा कह रहे हैं आप ही प्रकाश डालें, ज्ञान और विज्ञान दूध में घी है ये जान लेना ज्ञान है, लेकिन दूध से घी बना लेना ये विज्ञान है, पानी में बिजली है ये जान लेना ज्ञान है, लेकिन पानी से बिजली बना लेना ये विज्ञान है, संसार में परमात्मा है ये जान लेना ज्ञान है, लेकिन संसार में भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्रकट कर देना ये विज्ञान है, भक्ति का विज्ञान है। तो बाबा ये दो ही बालक हैं कि और भी हैं? दो ही भाई हैं? चार हैं। चार हैं, अच्छा, दो अयोध्या में, दो अयोध्या में, तो आप दो ले आए और दो छोड़ आए,
चारों को लाना चाहिए था, नहीं दो ही से काम था हमारा। अच्छा दो ही से काम था, चलिए दो ही से काम आपका चल रहा है। बड़े ही सुंदर बालक हैं, तो मैं इन्हें आशीर्वाद दूं? अगर मैंने इनको आशीर्वाद दे दिया और बालकों ने कोई गड़बड़ी की तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? दोनों होंगे। अच्छा आप भी होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए हमारे आप अच्छे बाबा हैं, बालक बड़े शिष्ट हैं, सौम्य हैं और सुंदर हैं, तब तो फिर मैया कौशल्या के पाणि पल्लों से पुष्पित प्यारे राम एवं निज भ्रात मानस कमल वाटिका में विहार करने वाले भोले लक्ष्मण तुम्हारे लिए मंगलकारी आशीर्वाद है। तुम राम प्रजा के बनो प्राण, तुम लखन निबल के हे तुत्राण, तुम दोनों मिले बसुधा तल में, वर्षा दो अगणित विषम बाण। तुम भानु वंश अवतंस अंश, निर्मित कर दो ऐसा स्वराज, वसुधा का कण कण बोल उठे जय राम राज जय राम राज। शासन क्रम भंग न होने दो, रिपुनाश कर में लई कृपाण, तुम राम प्रजा के बनो प्राण, तुम लखन निबल के हेतु त्राण। पड़ी सके नय काल दुकाल कहीं, सब प्रजा ल्याय के रहे साथ, पी सके सरोवर तट में जल, वो सिंह अजा मिल एक साथ। सायक कराल बिकराल देख, कर सके असुर उत्पात नहीं, और निर्विघ्न यज्ञ मुनि वृंद करें, हो जनता पर आघात नहीं। दुष्टों के लिए कृषान दग्ध, निर्बल को तुमसे मिले त्राण, तुम राम प्रजा के बनो प्राण, तुम लखन निबल के हेतु त्राण। राजपुत्रो मम वाक्यम त्रैलोकस्य नाथनः, अरि समुखम जयं प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण। राम ही चितय राम चितय रहे सके लोचन, रूप पारमार मदमोचन। बाबा जी इस बालक को जब देखता हूं तो हमारे नेत्र थक जाते हैं। आज तक परशुराम के नेत्र किसी सुंदरता को देख करके थकित नहीं हुए, लेकिन आज स्वरूप को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसको कहीं देखा है। बाबा यदि आप जल्दी में हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे कहने से ऐ हो दाति नंदन, रुकी जाब अब हमारे कहे, यो शाम रो सलोनो भरी नैन देख लेने दो। उमड़ा है अगाध प्रेम आज मेरे मन मानस में, प्रेम का पवित्र चित्र आज खींच लेने दो। सुधा का समुद्र पाई, क्यों ना मैं बुझाऊं सुधा, छक के मकरंद रस आज पी लेने दो।
राम रम जावो राम देता है ही मेठोर या तो इस राम को ही राम रम जाने दो राम। मैंने जब तुम्हें देखा तो हमें लगता है तुम कभी हमें पहले भी मिले थे, आज याद आ रही है। एक बार अतीत में मेरे सामने ऐसा ही स्वरूप आया था पर याद नहीं आ रहा कब आया था। मिलान करता हूं तो इतना तो मिल रहा है, लेकिन जब दृष्टि नीचे जाती है तो वहां भुजाएं चार थी और यहां तो मुझे भ्रम हो रहा है। फिर देखता हूं और जब नहीं समझ में आता है तो बहुर भी लोग विदेह से बहुर भी लोग विदेह चल कहति भीर पूछत जाने अजान व्यापक को पूछर। जनक ये जम्मू प्रशाल मल कुछ कौन पुष्करा दीपु से पधारे, लाखों राजाओं का एकत्रीकरण क्यों, ये तड़क भड़क कैसी विधि है, प्राचीर समीप दिखाते हैं, तम्बू कना तने घने जिनमे श्वेत लहराते हो, ये भिन्न भिन्न चिन्ह बने जैसे अनेक ओनीपति हो, चढ़ाए सिंह बना करके चढ़ाए आ बुलवाए हैं, खडेंद्र कोई रचवा करके क्यों छिपे छिपे छतमालों की, ये सेनाएं चढ़ाई विदेह है, ये तड़क भड़क कैसी विदेह है, भीड़ का कारण शीघ्रता से सुनाओ, ये राजाओं की भीड़ क्यों इकट्ठा है। समाचार कहे जनक सुनाए यही कारण वही पृथव आए। हे भगवान देश देश के भूपति नाना आए सुन जो हम प्रण ठाना, मैंने सीता का स्वयंवर किया है और ये प्रतिज्ञा कर दी है कि जो इस धनुष को चढ़ाए इसकी प्रतिज्ञा को चढ़ाए इसको दो खंडों में विभाजित कर दे वही मेरा जामाता बनेगा, इसलिए ये देश देशांतर के राजा आए इसलिए ये तड़क भड़क आपको दिखाई दे। सुनत बचन सुनत बचन फिर अलग निहारे देख चाप खंड महिदारे। क्या परम पार्वती का पूजा पद गजानन खड़ानन का क्रीडन भारतीय संस्कृति के प्रित्रहता अजगो का विनाश हो गया। देख लो समाज के लोग ये संसार कितना स्वार्थी है, जब तक ये काम के रहे तो किन्हीं नित्य पूजा आरती उतारी गई और आज तोड़ करके पृथ्वी पर फेंक दिया गया। देखे चाप खंड में डारे। एक बात कहूं इसी अजगो के माध्यम से अपने जीवन के बारे में भी सोच लेना, क्योंकि जो दशा इनकी हुई है एक दिन यही दशा आप सबकी होनी है। जब तक काम के हो तो बड़ी पूजा है, बड़ा सम्मान है, बड़ा ध्यान है, और जहां बिना काम के हुए तो कोई ध्यान देने वाला, यही सिद्धांत यही संसार। आप संसार के लिए मर जाओ मिट जाओ कुछ भी करो, लेकिन ये संसार आपका होने वाला नहीं है। अरे समाज का कितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति हो उसका भी जब देहावसान हो जाता है तो उसके घर के लोग, घर में कोई नहीं होता तो परिवार के लोग, कदाचित परिवार में कोई नहीं होता तो गांव के लोग उसके लिए एक वस्त्र का टुकड़ा देते हैं और गंगा तट तक ले जाकर के उसका अंतिम संस्कार करते हैं। पर अरे स्वार्थी द्रपाल सिर ध्वज नहीं, तुमने आदरणीय अजगो के लिए वस्त्र का टुकड़ा दिया और न ही उनका अंतिम संस्कार किया, न ही कोई सूक्ष्म वेदना ज्ञापित की, प्यारे अजगो क्या कहूं। आज अजगो ठंड लग कर ये हृदय
फटता हमारा टूटने से पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। आज भारत भूमि में नैराश्यतम है छा गया और मनो बच्च पर ये कौन वज्र चला गया। आशा कमलनी पर तुषारा पात क्यों ढाया गया। मयंक ज्योति गगन में क्यों प्रलय घन छाया गया। आज मानवता पपक कर रो पड़ी बन बेसहारा टूटने से पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। मुनि अथर्वा तने के अवशिष्ट अस्थि शरीर का आज विघटन हो गया ये काम किस बेपीर का। आज गाँव बताओ आज खंडक प्रतिशोध लूंगा मैं तुम्हारा टूटने से पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। क्यों नहीं मुझको पुकारा। क्यों नहीं मुझको पुकारा। अजगो तू न टूटा फूटा भाग्य ही हमारा हाय। अजगो तू न टूटा टूटा जग का सहारा है। हाय किस निर्दयी ने तुम पर लगा के हाथ भारत के भविष्य को लकलचित विचारा है। चटकी चट्टान कौल गिरिवर महेंद्र की अवश्य ही हुआ होगा रव भीषण करारा है। सूर्य चंद्र अवनी पर गिर क्यों नहीं गए प्रलय मच जाती किंतु धराने धैर्य धारा है। महान शोक महान शोक। अजगो तुम टूट गए जाओ तुम्हें शांति मिले पर मुझे उस समय तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अजगो के विरासत को खोज नहीं लूंगा उसे देख नहीं लूंगा। अतिरिस अतिरिस बोले बचन कठोरा कहू जल जनक धनुष के तो बोल श्रद्ध बोल बोल किसने तोड़ा धनुआ। समय बिलो की अगर नहीं बता सकते हो तो दिखाओ ये बेग दिखाओ मोड़न ताजू उल्टो मई जहां लगी तो राजू। धनुष तोड़ने वाले को शीघ्र दृश्य दिखाओ नहीं तो जहां तुम्हारा राज्य है वहां तक की धरती उलट दूंगा। अरे मोड़ मुखोल बोल नहीं तो समाज आश्रित महापाटी हो हे कौन भुजदंड को प्रचंड वीर बन भयो भय अखंड अखंड जाके काटी हो। हे वेक्ष बताओ ना लाओ विलंब कछु मेरे क्रोध काटी हो कठिन कुठार से ये कठोर कंठ काट। समय बिलोक लोग सब जान जान की भीड़ हृदय नहरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हे श्रद्धे दीनों पर दया करने वाले सूर्य की किरण को प्रभावित करने वाले हे श्रद्धे
मैं अत्यंत समय से देख रहा हूं आप भूत भवन शंकर भगवान के चाप को लेकर अत्यंत क्रोधित हो रहे हैं। हे श्रद्धे, आप अपने हृदय में शांति लाएं, क्योंकि आपको क्रोध करता देख ये समस्त मिथिलापुर के नर नारी अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि भूत भवन शंकर भगवान के चाप का खंडन किसके माध्यम से किया गया है, मैं अपने पक्ष से पूर्णता प्रयास करूंगा कि आपको मेरी वाणी से संतुष्टि मिले। हे श्रद्धे, आपके चरणों में सत्सत नमन, स्वीकारें मेरी वाणी को, स्वीकारें नाथ, स्वीकारें। नाथ सा शंकर भगवान के चाप का खंडन किया है, मेरे विचार से वह आपके चरणों का दास ही होगा, क्योंकि नाथ से वो धनुष जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, यह कार्य वही कर सकता है जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, वह कब किस से डर सकता। हे नाथ, आया सुका बड़ी माध्यम से बताने का प्रयास किया, शायद आपको संतुष्टि हुई होगी, लेकिन श्रद्धे अब मेरे लिए क्या आदेश, क्या आज्ञा? मैं सच्चे मन सच्चे भाव से प्रस्तुत हूं। आज्ञा नाथ। राम, तुमने कहा नाथ संबोधन भंजनिहारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, धनुष तोड़ने वाला हमारा दास नहीं हो सकता, हुई है क्यों? कु तो संसार में बहुत है राम, कु पंडित को तापस ज्ञाता, कु धनवंत सुर को दाता, कु पित भगत वचन मन कर्मा, सपने उजान न दूसर धर्मा, आदि आदि हम किस कु को माने? राम, धनुष तोड़ने वाला हमारा दास नहीं हो सकता, क्योंकि दास की एक परिभाषा है, तिनते प्री पुनि मोहि निज दासा, जेहि गति मोरि न दूसर आशा, जो दास होता है उसे उसी की आशा होती है।
और धनुष तोड़ने वाले को अन्य अन्य आशाएं हैं, उसे परशुराम की आशा नहीं है, इसलिए वो हमारा दास नहीं हो सकता है। राम सेवक सो, सेवक सो जो करी स्वीकारी अर करी कर करही लरल। राम हमारे जीवन की दो विधाएं हैं, पहली विधा का नाम है सेवकाई और दूसरी का नाम है लड़ाई। अगर धनुष तोड़ने वाले ने सेवा का कार्य किया है तो कर्ण चरणों की सेवकाई, अन्यथा खुला निमंत्रण राघव करे वो हमसे ए लड़ाई। सुनो राम, सुनो राम, जैसे भी धन चोरा साहेबा सब तो जीप मो। धन पुरुष सुन लो राम, वो चाहे जो कोई भी हो, जिसने भी भूतनाथ भगवान शंकर के विशाल आयुध का खंडन किया है, वो मेरा साधारण बैरी नहीं है, वो मेरा सहस्राबाहु के समान बैरी है। और बैरी है राम तो बैरी के लिए निश्चय है राघव सो मिल गाओ। तो मिल गाए विवाह समाज जितनी मारे यही है सब सो मिल गाओ। वो अलग हो जाए, अगर वो अलग नहीं होता तो ब्याह समाजा समाज उसको छोड़ दे। और यदि आज ऐसा नहीं हुआ तो मेरी एक स्पष्ट घोषणा है कि नत मारे जय हैं सब राजा, ये सारे मरे जाएंगे, सारे राजा दंडित किए जाएंगे। राम अगर तुम धनुष तोड़ने वाले को जानते हो तो उसका नाम बताओ या इशारे से इंगित करो। सुनी मुनि बचने लखनी मुस्काने बोले परस धरे अपमान। इस समय हमारी जहां तक दृष्टि पहुंच रही है, इस समय जहां तक हमारा दर्शन है, सभा का समाज का प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है, प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है। राजा जनक वह भी डरे हुए हैं, महारानी सुनैना भयभीत हैं, महामाया जानकी वह भी डरी हुई है। पर नहीं, कुछ लोग यहां प्रसन्न भी हैं। प्रसन्न है कौन, प्रसन्नता है किनको, तो कहे कुटिल निपालों को। विचार यह करने लगा कि जब सब लोग डरे हुए हैं, प्रजा प्रवासी डरे हुए हैं, तो इन कुटिल निपालों को ऐसा कौन सा पुरस्कार मिल गया जिससे वह प्रसन्न है। समझ में आ गया, अभी जिस समय धनुष नहीं टूटा था, सब अंदर से चाहते थे हमसे यह धनुष टूट जाए, पूरी शक्ति लगाई थी कि धनुष हमसे टूट जाए। और अब यह प्रसन्न इसलिए है कि जो धनुष हमसे नहीं टूटा यह हमारे पक्ष में बहुत अच्छा हुआ, और यदि कहीं यह धनुष हमसे टूट जाता तो आपत्ति सीधे हमारे ऊपर आती। डरो नहीं, अभी हम जिंदा हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, महात्मा परशुराम जी के कथनानुसार सेवक वह है जो सेवा करे सेवकाई करे। और ये सेवा कहना क्या चाहते हैं, जो सेवा पैर दबाए सेवा करे। लेकिन क्या सेवा सेवक का धर्म इतना ही है? तो शास्त्रों से पूछा गया सेवक का धर्म कैसा है, तो बोलो सेवा धर्मम परम गहना योगिनाभिगम्य। सेवक का धर्म योगियों के लिए अगम्य धर्म है। फिर शास्त्र से पूछा गया कि सेवक का धर्म जो है कितना कठिन है, कितना कठोर है, तो फिर उत्तर मिला हर गिरते गुण सेवक धर्म। हर माने भगवान शंकर, गिरी गिर माने पर्वत, तो भगवान शंकर का जो पर्वत है कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत से भी भारी सेवक का धर्म है। जहां
पूछा गया कि सेवक की पहचान किन अंगों से होती है, तो कहा सेवक कर पद नयन सो। सेवक ये तो हाथ की तरह, कर पद पैर की तरह, नयन सो या नेत्र की तरह। सेवक हाथ की तरह, पैर की तरह या नेत्रों की तरह। फिर पूछा गया शास्त्र, जहां सेवक का धर्म है तो वहां कहीं ना कहीं स्वामी का भी तो अपना धर्म होगा। तो फिर शास्त्र उत्तर दिया, सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब होए। मुखिया कैसा होना चाहिए? तो बोले मुख सो। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जो मुखिया हो वह कैसा हो? तो बोले मुख की तरह होना चाहिए। क्यों? आप सभी लोग विचार करें, क्या मुख भोजन करता है तो क्या अपने पास रख लेता है? तो कह नहीं, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, समस्त अंगों का पालन पोषण करता है। ऐसा ही राजा होना चाहिए। कब कहां किसको किस वस्तु की आवश्यकता है वह उसको पहुंचाए। फिर महात्मा परशुराम जी ने फिर पूछा गया तो सेवक का धर्म, तो कहा बैर अंध, बैर अंधा होता है और प्रेम को बोध नहीं, तो बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। बैर अंधा होता है और प्रेम को बोध नहीं होता। महात्मा परशुराम जी की घोषणा यह हुई, सो बिलगाऊ जिसने धनुष का खंडन किया है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नत मारे जइहे सब राजा। बड़ी समस्या है, तो राजाओं की संख्या कम है और आप जिस समय कह रहे हो कि नत मारे जइहे सब राजा, तो जो एक तो जिस समय आप आए थे तो आपको देखते ही कुछ लोग छुप के बैठ गए थे, बात जबरजन लवा लुकाने, और जिस समय आप कह रहे हो कि मारे जाएंगे सब, तो राजाओं की संख्या भी कम है और कहीं ऐसा ना हो कि पलायन कर जाए। सभा में समाज में चार तरह के लोग होते हैं, विज्ञ अल्पज्ञ अज्ञ प्रज्ञा चक्षु। विज्ञ वह है, विज्ञ व्यक्ति समाज का वह है जिसे एक स्थान से बैठे बैठे उसे बता दिया जाए कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा गंतव्य वह है, तो वह विज्ञ व्यक्ति, जो विज्ञ व्यक्ति होगा वह एक स्थान से बताने पर ही वह अपने गंतव्य को, अपने मंजिल को प्राप्त कर लेगा, पा लेगा, पहुंच जाएगा। अल्पज्ञ वह है जिसे कुछ दूर चल करके बताना पड़े कि वह तुम्हारी मंजिल वह है, तुम्हारा गंतव्य स्थल वह है। अज्ञ वह है जिसे गंतव्य स्थल के बिल्कुल सन्निकट पहुंच करके बताया जाए कि उंगली उठा के दिखाया जाए, बताया जाए कि यह तुम्हारी मंजिल है, तुम्हारा गंतव्य स्थल है। तो विज्ञ एक स्थान से बताने पर पहुंच जाएंगे, अज्ञ कुछ दूर चल करके बताने पर पहुंच जाएगा, अल्पज्ञ सन्निकट पहुंच करके बताने पर पहुंच जाएगा। परंतु जो एक चौथा बचा प्रज्ञा चक्षु, उसके लिए बड़ी समस्या है। हम और आप जिसे साधारण भाषा में कहते अंधा, प्रज्ञा चक्षु, तो हमें तो यह लगता है कि संभवतः जब तक हम और उसको प्रज्ञा चक्षु को जब तक उंगली पकड़ करके साथ में चल करके उसके गंतव्य स्थल तक, मंजिल तक न पहुंचाया जाए तो वह पहुंच नहीं सकता। तो हमें तो ऐसा लगता है कि महात्मा परशुराम जी को
उंगली पकड़ करके इनके गंतव्य स्थल तक, गंतव्य स्थान तक पहुंचाना पड़ेगा। बहुत क्रोध कर रहे हैं। महात्मा जी प्रणाम, क्रोध कर रहे हो, बहुत क्रोध। हाँ। कारण अकारण सकारण, धनुष टूट गया इसलिए क्रोध कर रहे हो। धनुष टूट गया तो हमने तो बाल्यकाल में बहुत सी धनुष तोड़ी थी, तो क्या इस धनुष पर ममत्व लगाओ स्नेह प्रेम अगर है तो कई हेतु पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय वरेण्य स्तुति कहे, क्या हेतु है? सुमित्रानंदन राजकुमार लक्ष्मण, एक तपस्वी की तपश्चर्या में तलाक से तमाचा देने का यह तुमने दुस्साहस किया है, ये तुम्हारे भावी जीवन के लिए खतरनाक सिद्ध होगा। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस्तरे अपमाने। एक ब्राह्मण का अपमान कर रहा, एक महात्मा का अपमान कर रहा है, एक ऋषि का अपमान कर रहा है, एक मुनि का अपमान कर रहा है। सिद्धांत कहता है जहां दो बड़े व्यक्ति वार्ता कर रहे हों वहां तीसरे को बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारी वार्ता इनके भैया राम से हो रही थी, इन्हें बोलने की क्या आवश्यकता। मैंने लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, लक्ष्मण से कुछ पूछा नहीं, कोई प्रश्न नहीं किया, लक्ष्मण को कुछ कहा नहीं, इनके भैया राम को भी कुछ नहीं कहा है, तो फिर इन्हें बोलने की क्या आवश्यकता। अब सोचो जिससे कुछ पूछा ना जाए और बिना पूछे अपने आप बोलने लगे, हम मुस्कुरा करके बोलने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते। इन्होंने हमारा सम्मान किया, बड़े सिद्धांत जानते हैं, सिद्धांतों की चर्चा की लक्ष्मण ने, अज्ञ विज्ञ अल्पज्ञ प्रज्ञा सब बता दिया, और ये नहीं जानता है कि एक महात्मा का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसे अपमान करते चलेगा, लेकिन पहले सम्मान कर रहे हैं फिर अपमान कर रहे हैं। भाई आप भी जितने भी श्रोता हैं, एक श्रोता 1000 के बराबर है, सब दिव्य श्रोता हैं, अच्छे हैं, तो आप लोग विचार करो, पहले तो किसी को सम्मान देना नहीं चाहिए, और अगर सम्मान किसी को दे दिया तो फिर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और लक्ष्मण पहले हमारा करता है सम्मान और इसके बाद तुरंत कर रहा है अपमान। विश्वामित्र मिले पुनि आई पद सरोज मेले, दो भाई अपने गुरुदेव बाबा विश्वामित्र जी के साथ में आया और आकर के हमारे चरणों में प्रणाम किया। अब सुन इन वचन लखन मुस्काने, बोले परस्तरई अपमाने। तो ये कहां का नियम है, ये कहां का सूत्र लगा रहे हो बेटा। एक सिद्धांत है, उसी व्यक्ति के द्वारा उसी व्यक्ति का सम्मान किया जाए और उसी व्यक्ति के द्वारा उसी व्यक्ति का उसी स्थान में अपमान कर दिया जाए, ऐसी घटना हमारे संज्ञान में नहीं हुई है। अगर लक्ष्मण के संज्ञान में हुई हो तो लक्ष्मण हमें बतावेगा, और अगर लक्ष्मण नहीं बता रहा है तो फिर ये बतावे कि ऐसा क्यों कर रहा है, पहले सम्मान कर रहा है फिर अपमान कर रहा है, तो ये तो कोई बात ना हुई। राजकुमार प्रथम बात कि तुम बीच में बोले क्यों, दूसरी बात जब पहले सम्मान किया तो फिर अपमान क्यों कर रहे हो, और तीसरी बात लक्ष्मण ने कहा, उठा खड़ा हुआ और बोला यहां सब डरे हुए हैं, राजा जनक डरे हुए हैं, जानकी डरी हुई हैं, सुनैना डरी हुई हैं, सारा समाज डरा हुआ है, नर नारी डरे हुए हैं, और फिर एक बात कही, कहा तुम लोग डरो नहीं, हम जिंदा, अभी हम जिंदा, अरे ये बताने की क्या आवश्यकता है, हम जिंदा है, जब चल रहे हो फिर बोल रहे हो देख रहे हो सुन रहे हो और कह रहे हैं हम जिंदा है, तो सब लोग समझ रहे हैं कि जिंदा हो, तो ये कहने की क्या आवश्यकता है कि जिंदा हो। ये तो भाई तब होता है जिसे मरणासन में पड़े हो और सांस भी रुक रुक के चल रही हो और लोग देख रहे हैं कि जिंदा हो कि नहीं, उस समय अगर कोई कहे हम जिंदा है तब तो ठीक है,
अब तुम कह रहे हो हम जिंदा हैं, तो ये बहादुरी बता रहा है कि हम जिंदा हैं, डरो नहीं। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने एक बात और कही कि जितने राजा थे सब पलायन कर गए, बात झपट जन लवालुका ने, और कुछ राजा बचे हैं, आप कह रहे हैं न तुम्हारे जी हैं सब राजा, वो भी चले जाएंगे। राजा चले जाए तभी तो अच्छा है, जब चले जाएंगे तो हमें धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा। हम तो धनुष तोड़ने वाले को खोजने आए हैं, हमारा उद्देश्य धनुष तोड़ने वाले को खोजना। अब तुमने जो उदाहरण दिया एक अज्ञ विज्ञ अल्पज्ञ प्रज्ञा चक्षु, कि जो विज्ञ होते हैं उनको बता दिया जाता अपनी मंजिल प्राप्त कर लेते हैं, अज्ञ होते हैं कुछ दूर चल के बता दिया जाए तो प्राप्त कर लेते हैं, अल्पज्ञ होते हैं तो पास तक पहुंचा दिया जाए, और जो प्रज्ञा चक्षु होते माने अंधे होते उनको हाथ पकड़ करके ले जाना पड़ता है। तो क्या तुम हमें अंधा समझ रहे हो? अगर ये समझ रहे हो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। हम देख रहे हैं, हमने देखा है। क्या देखा है? सुनत बचन फिर अनत निहारे, और देखे चाप, देखे देखना और देख रहे हैं, इसका मतलब प्रज्ञा चक्षु नहीं है। देखे चाप खंड मही डारे, और उसके पहले भी हमने देखा, कहरा मही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। तो हम देखते हैं तुम ये सिद्धांत लगा रहे हो, फिर तुम आए कहने लगे परशुराम जी आप बड़ा क्रोध कर रहे हैं, और क्रोध जो आपका है वो धनुष के प्रति है। हमसे कहा प्रणाम। अब देखो क्या इनका नियम बनाए हो बेटा, अच्छा नियम बनाया है तुमने, पहले सम्मान इसके बाद सुनमन वचन लखन मुस्काने बोले परस्तु नहीं अपमाने अपमान, और इसके बाद हमारे पास आए तो फिर कह रहे हैं प्रणाम। ऐसा आज तक देखा नहीं होगा, केवल एक है उदाहरण है। पहले गुरुदेव के साथ में आए प्रणाम किया, फिर सुनमन वचन लखन मुस्काने बोले परस्तु नहीं अपमाने, मुस्करा रहे हैं अपमान कर रहे हैं, और इसके बाद फिर आए बोले बाबा प्रणाम। बहुत अनुही तोरी लड़काई कबो न सृष्टि गुसाई, बाल्य काल में हमने बहुत सी दुनिया तोड़ी हैं, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। कबो न सृष्टि गुसाई असरिस, ऐसा क्रोध नहीं किया गया, इसका मतलब है कि क्रोध किया गया है लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो राजकुमार ऐसा क्रोध इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि आज तक ऐसा धनुष नहीं टूटा है, और जब ऐसा धनुष नहीं टूटा है तो ऐसा क्रोध नहीं किया गया है। तुमने जो धनुया तोड़ी उनका कोई नाम ग्राम नहीं था, उनके टूटने से इतना शब्द नहीं हुआ कि पड़ोसी जान जाए, और जब ये धनुष टूटा तो भरी भुवन घोर कठोर रव रवि, बाज तज मार्ग चले चिक्र ही दिग्गज डोल मही, नहीं कूर कुलम कलमले सुर असुर मुनिकर कान दीने, सकल बिकल। इस धनुष के टूटने से सब विकल हो गए, और जिस कार्य से सब लोग विकल हो जाएं तो क्या वो कार्य अच्छा हो सकता है? कदापि अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा धनुष नहीं टूटा तो ऐसा क्रोध नहीं किया गया। राजकुमार तुमने कहा ये धन पर ममता के हेतु, इस धनुष से ममता का हेतु क्या है? यह हमारे गुरुदेव का धनुष है, भगवान शंकर का धनुष है, शिव धनुष है, तो शिव धनुष तोड़ा गया है, गुरुदेव का धनुष है, यही कारण। लेकिन अजगो के प्रति हमारी ममता नहीं है, श्रद्धा है, क्योंकि हम ज्ञानी हैं, और जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके अंदर ममता होती नहीं है, अगर ममता होती भी है तो उस ममता का धीरे धीरे त्याग कर देते हैं। रस रस सुख सरिस सर पानी, ममता त्याग करें जिमी ज्ञानी। इसलिए वेदा में तुम्हें समझा रहा हूं कि रेण पालक काल बस, बोल कितना बोलना, मुखोल कितना खोलना है। बोलने के प्रथम सोचो,
क्या तनिक टिक पाओगे? और यदि मन बनाया बोलने का तो आज मुंह की खाओगे। तोल ले मम शक्ति को, तोल ले मम शक्ति को, यदि आज तुझको तोलना है, भोल कितना बोलना है, मक्खल कितना खोलना है। सुन मन वचन लखन मुस्काने, ये बोले ऐसे बोल है तो मिथिलावासी जान गए कि ढोल के भीतर फूल है। मैं तुम्हें ललकारता हूं, मैं तुम्हें ललकारता हूं, मुख खोल मुख खोल, कितना खोलना है, बोल कितना बोलना है। जब कहें बोलो तो बोलो, और जब कहें चुप तो चुप। अब चुप, अब बोलो। रेन बालक काल बस बोलत तो इन संहार, ये धन ही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। चलिए महाराज, आपने अपना चिंतन प्रकट किया, आपने जहां से अल्प विराम किया है मैं वहीं से प्रारंभ होता हूं। रे नप बालक काल बस, ये हम बोल रहे हैं तो ठीक नहीं बोल रहे हैं, हम इनको गोसाई जी कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, प्रातः स्मरणीय कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, वंदनीय कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, वरेण्य कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन ये जो बोल रहे रे, अगर किसी पाठशाला के अध्यापक बना दिए जाओ तो पूरी पाठशाला की पाठशाला चौपट कर दो, विद्यार्थियों का जीवन सत्यानाश कर दो। रे, अरे अगर कोई शिष्य आकर के इनसे कहे गुरुदेव, तो उससे कहे हट, ये शिष्ट भाषा नहीं है। अरे ये आपकी भाषा हो सकती है महाराज, हमारी भाषा नहीं है। आपने प्रथम प्रश्न किया था बीच में हमारे बोलने पर, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरे ही अपमाने। अच्छा, इस अर्धाली का अर्थ कर लिया जाए तो क्या हमने आपका अपमान किया है? नहीं, क्रम में पता लग जाएगा किसका अपमान किया है, आने वाले क्रम में प्रकट हो जाएगा अपमान किसका हुआ। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरे ही अपमाने। हमने परस आपका अपमान नहीं किया, आपका अपमान नहीं किया, हमने आपका अपमान नहीं किया, तो किसका अपमान किया? आपके स्वरूप को देख करके, फरसे को देख करके, बोले परस धरे ही अपमाने, परस धारण करने वाले का अपमान किया। फिर किसका अपमान किया? फरसे को अपमान, फरसे को देख करके, अस्त्र शस्त्र को देख करके हमने, ठीक, बहुत बोलो, बोलो, है ना। फिर हमने चार सिद्धांत दिए थे, कह रहे हमारे नेत्र है, और महाराज ये सच्ची अस्त्र, सच्चे अर्थों में वह नेत्र होते तो आप धनुष भंजन हार को जान लेते, जान जाते, फिर पूछने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आप पूछ रहे हो, क्या कह रहे हो, देखे जाप खंड में नेत्र है। हमने कहा था विज्ञ अल्पज्ञ अज्ञ प्रज्ञा चक्षु, विज्ञ अगर आप विज्ञ होते, नेत्र होते तो पहचान लेते। भैया ने सीधे सीधे उत्तर कर दिया था, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, आयुष का कही किन मोही। तो ये गुस्साने के लगे, क्रोध करने लगे, क्या इस उत्तर में कोई दुराव है, क्या कोई छुपाव है? अगर महात्मा परशुराम जी से
यह कह दिया जाता कि धनुष मैंने तोड़ा है तो ये जान जाते। और अगर मैं की भाषा ना बोल करके भैया ने बड़े सीधे सरल शब्दों में कहा था, नाथ शंभ धन भंज निहारा होई के उगदास तुम्हारा, अर्थात भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, आयुषका कहिए किन मोही क्या क्या मेरे लिए, अर्थात धनुष भंजन हार आपके सामने है क्या क्या है आज्ञा करो। तो ना महात्मा परशुराम जी की समझ से बाहर, अगर इनसे यह कह दिया जाए कि हमने तोड़ा तो समझ जाए। अरे भैया लोक व्यवहार में भी लोग कह देते हैं, मिलते हैं तो कहते भैया आपका घर कहां है, तो बताने वाले जब बताते हैं कहते हैं तो बोलते भैया बस खोपड़ी में है, तो कहो अपन सर देखने लगे कहां है। जब कोई मित्र मित्र के पास मिलने आता है और वह जब पूछता है कि यह यश वैभव किसका है, तो वह बड़े अपने सरल स्वभाव से उत्तर करता है बस आपका ही है। महाराज जी से अगर यह शब्द कह दियो कि बस आपका है, तो बस नाम लिखा हो इनके। अरे क्या कोई दुराव था, क्या कोई छुपाव था ना। फिर तीसरा आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, पहले सम्मान बाद में अपमान। हम अपमान आपका नहीं कर रहे पहली बात तो, और सम्मान भी किया था। अरे हमने जाना था आप ब्राह्मण हो तो शीश पर धूल, आपके चरणों की धूल शीश पर लगाई थी, लेकिन जब आप तो हमारे बीच में बोलने का एक कारण यह है कि जब कोई हमारे इष्ट की गुरु की अवहेलना करे तो बीच में बोलने में कोई दोष नहीं है। कहें आप क्या कहना चाहते हैं। आपने एक और दोहा पढ़ करके कहा था, बोल कितना बोलना है। आज सबको पता लग जाएगा ढोल के अंदर। महाराज अगर ये ढोल के अंदर यदि पोल ना हो तो सुनाई ना दे। ये पोला शब्द क्या है, किसका द्योतक है, आकाश का, अवकाश। आकाश शब्द से टूट करके अवकाश पड़ा। अगर ये पोलापन ना हो तो सुनाई ना दे ना। तो आप हमारे अंदर देख ले हो, सब भरा भराया है, चकाचक है। आप हमने जो उत्तर किया आप इस पर विचार करें, फिर हम आप अपने क्रम पर बोलेंगे। सुमित्रा नंदन राजकुमार लक्ष्मण ने अपनी बुद्धि के अनुसार, सुमित्रा नंदन राजकुमार लक्ष्मण ने अपनी बुद्धि के अनुसार अपना चिंतन प्रस्तुत किया। मैंने इस बालक से कहा था, राजकुमार लक्ष्मण तुम्हें हमारा अपमान नहीं करना चाहिए, तो बालक ने सीधे कह दिया कि हमने तुम्हारा अपमान नहीं किया। संसार का कोई भी विद्वान, वेद पुराण शास्त्र, स्वयं रामचरितमानस ग्रंथ ये प्रमाणित नहीं कर सकता कि लक्ष्मण ने परशुराम का अपमान नहीं किया। अगर ये कोई संत महात्मा ज्ञानी महापुरुष प्रमाणित कर दे कि लक्ष्मण ने परशुराम का अपमान नहीं किया तो मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि अगर लक्ष्मण ने परशुराम का अपमान नहीं किया तो फिर ये लक्ष्मण परशुराम संवाद क्यों हो गया भाई। अगर लक्ष्मण हमारा अपमान न करते तो हम लक्ष्मण को कुछ क्यों कहते। अब हम कह रहे हैं तो लक्ष्मण ने इस पे तर्क दिया, बोले हमने आपका अपमान नहीं किया, परस का अपमान किया है, परस धारण करने वाले का अपमान किया है। बोले परस धरई अपमाने, जो परस धारण करता है उसका अपमान किया है। बड़ा सीधा उदाहरण है, जैसे कोई कह दे, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, जैसे कोई कह दे कि हमने आपका अपमान नहीं किया है,
जो कुर्सी में बैठा है उसका अपमान किया। अपमान किसका हुआ? वो उसी का हुआ कि नहीं? अब हम फरसा लिए हैं, वो कह रहे हैं हमने आपका अपमान नहीं किया, जो फरसा लिए उसका अपमान किया है, और फरसा इस समाज में कोई दूसरा लिए नहीं केवल परशुराम के अलावा। तो जब परशुराम फरसा लिए हैं और ये कह रहे हैं मैं परस धारण करने वाले का अपमान कर रहा हूं, तो हमारा ही तो अपमान कर रहे हो, तो ये तुम घुमा रहे हो बेटा, ये घुमाओ की भाषा बोल रहे हो। सत्य ये है, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परस धरई अपमाने। ये धरातल है, बोले परस धरई अपमाने, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अपमाने। मुनि के बचनों को सुन करके मुस्कुराते हुए परशुराम का अपमान करते हुए बोले रामकुमार लक्ष्मण ने कहा हमने तुमको गोसाई कहा, महात्मा कहा, ज्ञानी कहा, वरेण्य कहा, उत्तम कुल जन्मा कहा, ये आपका सम्मान किया है। हाँ गोसाई तो तुमने कहा है, गोसाई सम्मान सूक्ष्म शब्द है, लेकिन उसी प्रकार जैसे 56 प्रकार का भोजन बनाया जाए, 56 प्रकार का भोजन बनाया जाए और किसी को घूरे में बैठाल के खिलाया जाए, बताओ कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो जो गोसाई शब्द है वो तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन जो धरातल तुमने बनाया है वो अपमान का बनाया है। सुन मन बचन लखन मुस्काने, अब बोले परस धरई अपमाने। अगर अपमान करते हुए कोई सम्मान सूचक शब्द भी बोलता है तो वो अपमान के समान ही। इसलिए बेटा तुमने हमारा अपमान किया। एक बात हमने तुमसे कही थी कि पहले सम्मान हुआ हो फिर अपमान हुआ हो, ऐसी घटना तो हुई नहीं आज तक, हुई हो तो बताओ। तो तुमने भी कहा कि ऐसा नहीं हुआ है, अच्छा इस पर तुमने विचार ही नहीं किया। मैंने कहा था तुम बीच में क्यों बोले, तो राजकुमार लक्ष्मण ने कहा जो हमारे इष्ट का अपमान करेगा, इष्ट पर चोट पहुंचाएगा तो हम बीच में बोलेंगे। तो राजकुमार लक्ष्मण हमने तुम्हारे इष्ट पर चोट क्या पहुंचाया है, तुम्हारे बड़े भैया राम है, हमने तुम्हारे बड़े भैया राम को कुछ भी नहीं कहा है। अगर ये तुम सोच रहे हो तुम्हारी छोटी सोच है, हमने राम को कुछ नहीं कहा है, जो कुछ भी कहा है राम से कहा है। मैंने क्या कहा, राजा जनक से पूछा कहु जड़ जनक धनुष कई तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा, बेग दिखाओ मूड़ नत आजू, उल्टों मही जहां लगी तव राजू, तो अति डर उतर देत नृप नाही। राजा जनक मौन हो गए, उत्तर नहीं दे रहे। कुटिल भूप हर्षे मनमाही, तब इनके भैया आ गए, सभे बिलोक के लोग सब जान जाने की भीड़, और हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले रघुबीर। इनके भैया आ गए, उन्होंने कहा नाथ सुंदर भंजन आ रहा हुए के दास तुम्हारा आयुष्का कही किन मुही, अब आज्ञा मांग रहे हमारे लिए क्या आज्ञा। लक्ष्मण भी अभी कह रहा था कि हमारे भैया ने कहा कि क्या आज्ञा है, तो आपको आज्ञा देना चाहिए। आज्ञा मांगने से ही आज्ञा पालन नहीं होता है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, असु प्रसाद पावे जनु देवा। आज्ञा से बढ़कर के स्वामी की कोई सेवा नहीं होती है, लेकिन केवल आज्ञा मांगने से नहीं, आज्ञा पालन करने से। अब कोई आ जाए और कह दे हम बहुत जोर से भूखे हैं, हमें भोजन कराओ, और आप उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ, महाराज क्या आज्ञा है, ये तो कोई बात ना हुई। अरे भूखा है तो उसे भोजन कराओ, आज्ञा मांगने से क्या है, आज्ञा पालन करना सेवा है, आज्ञा मांगना सेवा नहीं। जब हम कह रहे हैं कि हमें धनुष तोड़ने वाले को बताओ, तो हमारे सामने ये क्यों कह रहे हो कि आयुष्का कही किन मोही, क्या आज्ञा है,
हम धनुष तोड़ने वाले को पूछ रहे हैं, हमारी सेवा करना चाहते हो, हमारी आज्ञा का पालन करना चाहते हो, तो सीधे बताओ कि धनुष तोड़ने वाला अमुक है, धनुष तोड़ने वाला ये है, धनुष तोड़ने वाला वो है, और नहीं तो धनुष तोड़ने वाला मैं ये है वो है नहीं तो मैं हूं, ऐसा उत्तर करना चाहिए। अब कह रहे हो ये कौ एक दास तुम्हारा, हो ये कौ, मैं राम लक्ष्मण के लिए नहीं कह रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे किसी से पूछा जाए तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम्हारे पिताजी कौन है, तो उत्तर देने वाले को पिताजी का नाम बताना चाहिए, ये है वो है उनका ये नाम है। अगर उत्तर देने वाला कह दे हो ये को एक बाप हमारा, तो ये तो कोई उत्तर ना हुआ, किसको ढूंढे जाके। तुम्हारे भैया कह रहे हो ये को एक दास तुम्हारा, ये को शब्द जो है ना ये भ्रमात्मक है, भ्रमात्मक शैली का प्रयोग किया है, ये जो को शब्द का प्रयोग किया है, और ये को शब्द ही लड़ाई की जड़ है। अगर तुम्हारे भैया आए थे बहुत अच्छे हैं, कह देते नाथ संबोधन भंजनी हारा, तब पद रत मैं दास तुम्हारा, बात हो जाती। अब मैं एक बिंदु बना रहा हूं, अगर धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा कार्य किया है धनुष तोड़ करके, तो वो क्यों नहीं कहता कि धनुष मैंने तोड़ा। कोई अगर अच्छा कार्य करता है, यज्ञ करता है, शुभ कार्य करता है, और पूछा जाए ये कार्य किसने किया है, तो लोग कह देते हैं कि ये कार्य मैंने किया है, छुपते तो नहीं है, छुपते तो नहीं है। अगर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ करके अच्छा कार्य किया है, तो धनुष तोड़ने वाला कह दे कि धनुष मैंने तोड़ा, बात समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये नहीं कह रहा, और जब ये नहीं कहेगा इसीलिए बात बिगड़ रही है। और राजकुमार तुम उसके पीछे चलने वाले हो, तुम उसके पक्ष के हो, तो तुम ही बता दोगे धनुष तोड़ने वाला ये है, तुम ही नहीं बता रहे हो। एक बात मैंने कही थी, रेण बालक काल बस बोलत तुईन समहार, धनवी सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। हमने कह दिया रे लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा, और इतना बड़ा भाषण दे दिया, कह रहा अगर किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य बना दिए जाओ तो बालकों का भविष्य चौपट हो जाएगा, विद्यालय भी गिर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। केवल रे कहने से विद्यार्थियों का भविष्य चौपट हो जाएगा। बोले ये तो ऐसे महात्मा है, इनके पास कोई शिष्य आवे गुरुजी तो कहेंगे हट, ऐसे कहेंगे तुम कैसे आए, ऐसे आए हो गुरुजी कह के आए हो। सुनमुन बचन लखन मुस्काने, बोले प्रस्थ रही अपमाने, अगर गुरुदेव क्रोध में हो विचार करना, बुद्धि का प्रयोग करो, गुरुजी का कोई अपना समाप्त हो जाए, ध्यान दीजिए, गुरुजी को गुरुजी का कोई अपना शिष्य हो, पुत्र हो, भाई हो, वो मार दिया जाए और मार करके फेंक दिया जाए, गुरुजी क्रोध में हो और उस समय शिष्य आवे और सुनमुन बचन लखन मुस्काने, बोले परोस धरे अपमाने, अपमान करता हुआ बोले और मुस्कराने लगे और मुस्करा करके कहे ऐसे तो हमने बहु मार डाले, बताओ ऐसे में गुरुजी को क्रोध आएगा कि नहीं आएगा, रे कहेंगे कि नहीं कहेंगे, और रे कह दिया तो कौन अनुचित कह दिया, वो कह रहे भविष्य चौपट हो जाएगा, विद्यालय गिर जाएगा। अरे बेटा कहां पढ़े हो, थोड़ा विचार किया करो, क्या बोल रहे हैं, रे अनुचित नहीं है। अगर हमने रे शब्द का प्रयोग भी किया है तो रे संबोधन है, हे भू रे, व्याकरण की दृष्टि में ये तीन संबोधन है, हे भो रे, अपने से छोटे के लिए रे का प्रयोग किया जाता है, तुम हमसे छोटे हो तो हमने तुम्हें रे कह दिया, तो इसमें कौन सा अनुचित कह दिया। अगर कालबस कह दिया तो ये भी अनुचित नहीं है, क्योंकि संसार अग जग जीव नाग मुनि देवा और नाथ सकल जग काल कलेवा, तो कालबस संसार है,
तो हमने अनुचित क्या कह दिया? और इतना इतनी बातें बना रहे हो कि तुमको बालकों का भविष्य चौपट हो जाएगा। किसी बालक का भविष्य नहीं चौपट हो गया, तुम्हारी मन की कल्पना। एक बात और तुमने कही, हमने ऐसे कह दिया, हमने कहा मिथिलावासी जान गए कि ढोल के भीतर पोल है, तो इसमें भी तुमने अध्यात्म लगा दिया। बोले पोल अगर ना हो तो कुछ नहीं होगा, पोल माने आकाश, जो अवकाश है वही आकाश है, और आकाश ना हो तो बोलेगा नहीं। ये हमने लोकोक्ति कही थी, ढोल के भीतर पोल होना माने कुछ ना होना, इसलिए कहा था। और उसको तुम अध्यात्म से जोड़ रहे हो, इसलिए राजकुमार अगर अध्यात्म की बात कर रहे हो तो मैं अध्यात्म चिंतन में अध्यात्म से भी तुम्हें देख रहा हूं कि ये मन बुद्धि चित्त अहंकार दस इंद्रियां पांच तन्मात्र पंच विषय ये सब राजा है, ये राजा है। और उसी के अंदर जीव रूपी धनुष तोड़ने वाला रूपी जीव रहता है। मैं चाहता हूं कि मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्री रूपी राजा जब चले जाएंगे तो वह जीव रूपी धनुष तोड़ने वाला हमें मिल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं सो बिलगाओ बिहाय समाजा नत मारे जी हैं सब राजा। हो गया। अब राजकुमार तुम हमें ये बताओ कि अगर धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा कार्य किया है तो वो क्यों नहीं कहता कि धनुष मैंने तोड़ा है? दूसरी बात, तुमने कहा कि मैं आप प्रज्ञाचक्षु हैं, बोले आपके ये नेत्र तो हैं लेकिन अंदर वाले नेत्र नहीं हैं जो होने चाहिए, इसलिए धनुष तोड़ने वाले का दर्शन नहीं कर पा रहे हो। हम धनुष तोड़ने वाले का दर्शन इन्हीं नेत्रों से करेंगे, और वो हमारे सामने आएगा, स्वयं आकर के कहेगा अपराधी मैं ना तुम्हारा, स्वयं स्वीकार करेगा और इन्हीं नेत्रों से करूंगा और तुम देखते रहोगे, और जब वो कहेगा तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि देखो राजकुमार। अब बोलो क्या कहना है, कुछ बोलोगे? आज्ञा आपकी। विस्तारवाद तो आपने बहुत ज्यादा कर दिया, चार बिंदु दिए थे हमने आपको और चार बिंदुओं में आपने बहुत विस्तार कर दिया। आपने एक प्रश्न पर बहुत ज्यादा जोर किया, हमने कहा हमने आपका अपमान नहीं किया, आप उसको बता रहे हो कि हमारा ही अपमान किया है, और हमने किया किसका है? देखी कुठार सरासने पाना, मैंने आपको हाँ सीधे प्रश्न भैया सीधे छलांग लगा दिया इतनी लंबी। आपने उत्तर मांगा है और हमने कहा था समय आने पर प्रकट हो जाएगा, परंतु आपने रामचरितमानस तक को भी अन्य शास्त्रों को भी यह कह दिया कि कहीं प्रमाण हो तो लक्ष्मण बताए, तो हमने आपको प्रमाण दिया। हाँ, हाँ, दीजिए है ना, साधुवाद दीजिए। देखी कुठार सरासने बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। महाराज ब्रह्मणत्व अभी भी और आने वाले समय में भी ब्रह्मणत्व आपका सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। लक्ष्मण के द्वारा आपके ब्राह्मणत्व का अपमान नहीं हुआ। उत्तर मिला, संतुष्ट हो? नहीं संतुष्ट है तो आप कभी हो भी नहीं सकते, ये भी हम कह दे रहे हैं। हम उत्तर करें? नहीं रुक जाओ अब। अच्छा रुके, बोलिए। रुको, बोलिए बोलिए, अपना पूरा क्रम बोलिए, इसके बाद बोलिए। फिर आपने काम विज्ञ है, अरे महाराज ब्राह्मणों आप जिस धनुष भंजन हार को धनुष तोड़ने वाले को कह रहे हम इन्हीं नेत्रों से देखेंगे, नहीं देख पाओगे ये हम कह रहे हैं, नहीं देख पाओगे ये हम कह रहे हैं, और अगर देख लेना तो बताना कि हम यहां देख रहे हैं, ये बताना। ब्राह्मण कि अगर ये नेत्र ना हो, उत्तर तो आपको यहां करना चाहिए, अगर ब्राह्मण के नेत्र ना हो तो और भी नेत्र है ब्राह्मण के, कौन कौन से? बोले श्रुति पुराणौ उभौ नेत्रौ ब्राह्मणानां प्रकीर्तितः, श्रुति वेद पुराण
ये ब्राह्मण के दो नेत्र हैं, श्रुति पुराणौ उभौ नेत्रौ ब्राह्मणानां प्रकीर्तितः। अगर इनमें एक न हो तो एकेन विकला काना 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 एकेन विकला काना, अगर दोनों नहीं तो दो भ्याम इतीरता। तो फिर शास्त्र ने पूछा गया कि कौन कहां से देखता है, तो शास्त्र ने फिर उत्तर दिया गंधेन गावत पश्यन्ति वेदो उपस्यन्ति ब्राह्मणा। अगर ब्राह्मण के नेत्रों में पट्टी बांध दी जाए तो वह वेद रूपी और पुराण रूपी नेत्रों से देख लेता है, और गाय के नेत्र में पट्टी बांध दी जाए तो अपने गंध से अपने बछड़े को पहचान लेती है। और महाराज हम अभी भी कह रहे हैं आप देखोगे तो सिर्फ इन्हीं नेत्रों से देख पाओगे। और कब, ये जो आप क्रोध का आभूषण पहने हो ना, जब इसका परित्याग करोगे तब देख पाओगे इस माइक। और आपने क्या कहा, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये, और मन राजा और जीव, वो जीव है, धन है परमात्मा हो प्रभु हो, जीव को जीव को माइक दृष्टि से देखा जा सकता है, जीव माइक दृष्टि से देखा जा सकता है, परंतु वह जिसको आप ढूंढ रहे हो, धनुष भंजन हार को ढूंढ रहे हो, देखा था आपने, दर्शन भी हुए, यही गुणवत्ता है। बोले कैसे देखा था, बोले राम ही चीताई रहे थकी लोचन रूप अपार मार मदय मोचन। दर्शन भी हुए आपको परंतु नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, क्यों, क्योंकि आप देखना चाहते हो माइक दृष्टि से, संसारिक दृष्टि से, और वो संसारिक दृष्टि देखने वाला दिखने वाला नहीं है, इसलिए नहीं दिखा। आप पहुंचे तो, लेकिन आपने जिस क्रोध को पहन रखा है, जो क्रोध आपका आभूषण है, वह बाधा बन गया मार्ग में। किसका दर्शन कर रहे हैं आप, बोले राम ही चितई रहे थकिलोचन रूप अपार मार मदमोचन। मार मदमोचन, मार माने कामदेव, मदमोचन कामदेव, काम का हनन करने वाले अर्थात शंकर जी के दर्शन, आपको आपके आराध्य के दर्शन हुए, लेकिन कुछ प्रकट होता तो आप किस क्रोध रूपी आवरण ने, या कह दूं आभूषण ने, उसको वहीं पर रोक दिया, देखने नहीं दिया। अब संसारिक दृष्टि से उसको देखना चाहते हो और कह रहे हो जीव, तो जीव साधारण जीव है क्या, वो बोला राम ब्रह्म परमारथ रूपा, बोले अभिगत अलख अनादि अनूपा। वो ब्रह्म है जिसे आप जीव बता रहे हो, तो उन इंद्रियों के बीच में जीव जीव नहीं है। इस पर आप फिर पुनः विचार करें, मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा हो यहीं पर रोक रहा हूं, आप इस पर विचार करें। सुमित्रा नंदन राजकुमार लक्ष्मण, इंद्रियों महाभूतानि पंचेयो, पांच महाभूत पांच तन्मात्रा चार अंतःकरण दस इंद्रियां, इनके बीच में जो रहता है पृथ्वी।